Telescope is a device which helps us to see the far off object. How it helps? दूर के ऑब्जेक्ट इतनी दूर होते हैं लाइक स्टार्स और फार ऑफ ऑब्जेक्ट कि हमारी आंख पर जो इनका एंगल बनता है दिस एंगल इज वेरी वेरी स्मॉल एंगल. इतना छोटा एंगल होता है कि वो ऑब्जेक्ट हमको एक पॉइंट जैसे दिखता है. जैसे हम एक स्टार को देखते हैं, एक्चुअली दैट स्टार इज मच लार्जर देन दिस सन, पर हमको कैसा दिखता है एक पॉइंट बिकॉज द एंगल इज वेरी स्मॉल. सो व्हाट डज अ टेलीस्कोप डू? आंसर, ए टेलीस्कोप विल इंक्रीज दिस एंगल. इफ इट विल इंक्रीज द एंगल वी से इट हैज मैग्निफाइड, तो वो हमको मैग्निफाई करके देगा. ठीक है, पर एक प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम ये है दैट इज विद द ब्राइटनेस ऑफ द इमेज. कोई भी इमेज जिसको हम देखते हैं, अगर हम उसको बड़ा करते हैं तो हम उसके साइज को बड़ा कर सकते हैं. कैसे? दिस इज 1, 2, 3, 4 पॉइंट्स, इट इज दिस मच लार्ज, ऐसे इसको बड़ा कर दो, तो हमने ऐसे कर दिया. लेकिन पॉइंट अभी भी कितने हैं? 4. पहले ये 4 पॉइंट इतनी सी जगह को लाइट अप कर रहे थे और अब इतनी बड़ी जगह को लाइट अप कर रहे हैं, तो ये जो इमेज बनती है इसमें पर यूनिट एरिया नंबर ऑफ रेज कम हो गए. पहले रेज की डेंसिटी ज्यादा थी, नजदीक नजदीक थे, ये हमको ब्राइट दिख रहा था. अभी रेज दूर दूर हो गई क्योंकि हमने मैग्निफाई कर दिया, रेज दूर दूर हो गई, अब ये ब्राइट नहीं दिखेगा, डार्क दिखेगा. तो अगर हमने किसी इमेज को 100 टाइम्स बड़ा कर लिया तो उसकी ब्राइटनेस 100 टाइम्स लेस हो जाएगी. इतनी लेस हो जाएगी दैट वी विल नॉट बी एबल टू सी दिस, हमको वो डार्क दिखेगा. तो उसका सॉल्यूशन क्या है? उसका सॉल्यूशन ये है कि हम वहां से इतनी ज्यादा रेज लेकर आए, जैसे ये 4 है, हम पहले ही 4 की जगह 40 रेज लेकर आएंगे, फिर उसको ऐसा बड़ा करेंगे तो हर जगह हमको 4, 4, 4, 4 मिल जाएंगे एंड वी विल सी द ब्राइटनेस इज देयर. सो व्हाट वी वांट टू मेक एन इमेज विद मैक्सिमम नंबर ऑफ रेज कलेक्टेड इन दैट इमेज, देन वी विल मैग्निफाई दैट इमेज. उसको जब हम मैग्निफाई करेंगे तो उसकी डेंसिटी नॉर्मल हो जाएगी. यह बात समझ आ रही है? लाइक दिस, इफ यू सी ए बल्ब हियर, उसकी ब्राइटनेस देखिए कितनी ज्यादा है. उसी बल्ब की लाइट जब यहां आती है फ्लोर में तो वो इतने बड़े एरिया को कवर करती है और यहां ब्राइटनेस ठीक है, पर अगर हम इतनी ब्राइटनेस बल्ब में कर देंगे तो यहां कैसा हो जाएगा? डार्क हो जाएगा. तो बल्ब की ब्राइटनेस 100 टाइम्स ज्यादा है, फिर वो वहां से इस 100 एरिया को कवर करेगा तो हर जगह हमको नॉर्मल ब्राइटनेस मिलेगी. सो आवर पर्पस, वन पर्पस ऑफ टेलीस्कोप इज टू कलेक्ट एज मेनी रेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एज पॉसिबल. कैसे हम ज्यादा रेज कलेक्ट कर सकते हैं? आंसर है, वी विल टेक दिस लेंस विच वी विल कॉल ऑब्जेक्टिव. इसका जो साइज रखेंगे, दिस साइज विल बी वेरी लार्ज. इस साइज को क्या कहते हैं? अपर्चर. लार्ज अपर्चर टू कैप्चर मैक्सिमम रेज. ओके, नाउ वी आर सीइंग एन ऑब्जेक्ट विच इज फार ऑफ. फार ऑफ ऑब्जेक्ट के साथ क्या प्रॉब्लम है? उसके साथ प्रॉब्लम ये है कि उसकी रेज हमेशा पैरेलल ही आएंगी. वी कैन नॉट डू एनी मैनिपुलेशन. ठीक है, सपोज वो इतना बड़ा इमेज है, ऐसे वी डोंट नो, हम ये मान लेते हैं कि वहां से रेज आती हैं और हमारे टेलीस्कोप के साथ एक छोटा सा एंगल बनाती हैं. ऐसी हमने उसकी पोजीशन ली कि अगर ये टेलीस्कोप है, वहां सामने इमेज है, तो इमेज का ऊपर वाला किनारा हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ ऐसे कितना एंगल बनाता है? दिस. इस एंगल को हमने कुछ भी मान लिया, लेट अस से दिस इज अल्फा. एंगल मेड बाय इमेज ऑब्जेक्ट, दिस इज व्हाट
Oh, I'm sorry, I should correct it. This is object. जिस ऑब्जेक्ट को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट कितना एंगल बनाता है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ? अल्फा. ऑल दीज रेज आर पैरेलल. पैरेलल रेज आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस, वेयर डू दे मीट? आंसर, पैरेलल रेज मीट एट फोकस. इफ दे आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, दे विल मीट एट फोकस ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस. बट इफ दे आर नॉट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देन वेयर डू दे मीट? ये हैं विच आर नॉट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, सो दे विल मीट एट ए पॉइंट विच इज जस्ट बिलो फोकस. ये जो एक यहां पर ऐसे हमने एक प्लेन बनाया, वी विल कॉल दैट प्लेन ए फोकल प्लेन. फोकल प्लेन. फोकल प्लेन क्या होता है? यहां से अगर ऐसे पैरेलल रेज जाएंगी लाइक दिस, दे विल कन्वर्ज एंड मीट एट दिस पॉइंट. यहां से पैरेलल जाएगी, दे विल कन्वर्ज मीट एट दिस पॉइंट. इधर से पैरेलल आएंगी, कन्वर्ज मीट एट दिस पॉइंट. ऑल सच पॉइंट्स, इधर से जाएंगी इधर मिलेंगी, इधर से जाएंगी इधर मिलेंगी. ऑल दीज पॉइंट्स इफ वी मेक ए सरफेस, दैट विल बी नोन एज फोकल सरफेस. और फोकल सरफेस का सेंटर कहां पे होता है? फोकस पे. तो यहां हमने ऐसा सोचिए एक प्लेट रख दी. ये प्लेट यहां पर रखी है, दैट प्लेट इज व्हाट? फोकल प्लेन. तो ये सब कहां पर मिलेंगे? फोकल प्लेन पे. तो ये डिस्टेंस, दिस इज फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव. नाउ वी प्लेस अनदर लेंस हियर, और ये भी एक कॉन्वेक्स लेंस है, एंड दिस कॉन्वेक्स लेंस वी कॉल आईपीस, एंड इट इज द वन वी नो वेल. दिस इज अवर ए मैग्नीफाइंग ग्लास और ए सिंपल माइक्रोस्कोप विच इज बीइंग यूज्ड एज आईपीस. सपोज फॉर अ वेरी सिंपल केस, व्हेन वी वांट ए सेटिंग ऑफ रिलैक्स्ड आईज, relaxed eye means what? Parallel rays, that the rays which are entering the eye should be parallel. Okay, अब देखिए यहां से ये जो rays आ रही हैं, ये यहां पर आकर मिली, तो यहां पर क्या बन गया? Image a dash b, a dash b dash is the image of the object which is far off. अच्छा, ये जो इमेज बनता है, दिस इमेज एक्ट एज ऑब्जेक्ट फॉर दिस आईपीस. इसको हम आगे या पीछे करके इस ऑब्जेक्ट की इमेज का डिस्टेंस मैनिपुलेट कर सकते. वी कैन मेक इट एट द डिस्टिंक्ट विजन डी, और वी कैन मेक इट पैरेलल इंफिनिटी. सो दिस इज ए सेटिंग फॉर पैरेलल गोइंग टू इंफिनिटी. And now we see the image through magnifying glass, through microscope. So we see it enlarged. How much is the enlargement by this? D upon F by this. Okay. So now we see the image here and we see it enlarged. This is telescope. So इधर की इमेज हमने यहां बनाई और इसको बड़ा करके देख लिया इससे. दिस इज द ओनली एक्शन. अब हमको वो क्लियर क्यों दिखेगा? क्योंकि इतनी सारी रेज जो इसके लेंस पर आ रही हैं, सब ने इकट्ठा होके एक छोटा सा इमेज बनाया. दैट इमेज विल बी वेरी वेरी ब्राइट. ओके, एंड वी हैव मैग्निफाइड इट. दिस इमेज इज मेकिंग एन एंगल ऑन अवर आई. दिस एंगल वी कॉल इट बीटा. हमारी आंख पे कितना एंगल बनाता है? बीटा. सो ऑब्जेक्ट ने कितना एंगल बनाया? अल्फा. और इमेज ने कितना एंगल बनाया? बीटा. अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ द फिजिक्स, दीज एंगल्स शुड बी मेड बाय ऑब्जेक्ट एंड इमेज ऑन अवर आईज. पर आप यहां ऑब्जेक्ट कर सकते हैं कि ये तो आईज पर नहीं बना रहे. सो अवर आंसर इज, a ray which is coming from infinity
For that ray, the distance of this lens, this spot, this lens, or the eye hardly matters. It is same. वो आकाश एक डिस्टेंस एक वो आ रही है, रे आ रही है, वहां से लेके ऑब्जेक्ट से लेके यहां पर टेलीस्कोप, टेलीस्कोप का आईपीस, आईपीस के बाद हमारी आंख, उसके लिए ये डिस्टेंस नेग्लिजिबल. दैट इज व्हाई एंगल मेड एट दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, एवरीवेयर एंगल इज अल्फा, बिकॉज द डिस्टेंस इज सो लार्ज. अभी अगर सन से रेज इस डायरेक्शन से आ रही हैं और मैं यहां से वहां चला जाऊंगा, तब भी मेरे लिए इस तरफ से ही आ रही हैं, ऐसा सन पीछे नहीं हो जाएगा, बिकॉज इट इज कमिंग फ्रॉम फार ऑफ. सो फॉर डिस्टेंस एंगल डू नॉट चेंज. सो दीज आर, सो व्हाट विल बी द मैग्निफिकेशन. Magnification is equal to angle by image divided by angle by object. Okay, तो यहां पर अब हमने देखना है कि object और image कितना कितना एंगल बनाते हैं. सो दिस इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा, बीटा अपॉन अल्फा. एंड फॉर स्मॉल वैल्यूज मैग्निफिकेशन विच इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा, वी कैन राइट एज टेंजेंट बीटा अपॉन tangent alpha, because you know for small angles beta is equal to tangent beta and alpha is equal to tangent alpha. This is equal to, now tangent beta by this triangle, this distance we have kept at focal length of eyepiece. This is a dash b dash, so this is a dash b dash upon focal length of eyepiece. This is tangent beta. What is tangent alpha? If this is angle alpha, then this opposite angle is also alpha, and tangent of alpha is perpendicular upon base. So this is a dash b dash upon FO. So this is again a dash b dash upon FO. Here FE is on left side, we will make it minus. FO is on right side, so we will keep it plus. Now a dash b dash is cancelled, and what we get is FO upon FE negative. This is value of magnification by a telescope. See, this magnification depends upon what? FO upon FE. How should be the focal length of objective? Should it be large or small? If magnification, we want more magnification, हम बड़े से बड़ा देखना चाहते हैं, तो FO कैसा होना चाहिए? Large. So this focal length of this lens should be large, and focal length of eyepiece. If we want large magnification, this focal length of eyepiece should be small. So in telescope, FO should be large. In microscope, FO was small. ये दोनों का डिफरेंस है. This you should remember. Okay. So what are the other differences? A microscope is used to see the objects which are nearby, and telescope is used to see the objects which are far away. In this, FO should be large. And in microscope, FO should be small. And that is why we cannot use telescope as a microscope or microscope as a telescope. Though both are having what? Two convex lenses. Okay. So this is magnification. So once again, for a good telescope, what we should have? The light gathering power should be large.
therefore aperture of the telescope should be as large as possible. ठीक है, इसको तो हम बड़ा कर लेंगे. Now this telescope is used to see the objects in the sky and this was made by Newton. इसमें एक प्रॉब्लम ये होता है कि हमको ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जो इमेज दिखती है दैट इज इन्वर्टेड. ये आप देख रहे हैं इन्वर्टेड एंड दैट इज व्हाई द मैग्निफिकेशन कैरी द साइन माइनस. सो माइनस शोज दैट इमेज विल बी इन्वर्टेड बट स्टिल वी यूज इट. व्हाई वी यूज इट? बिकॉज वी हैव नेवर सीन दैट ऑब्जेक्ट. हमारे लिए उसका स्ट्रेट होना या इन्वर्टेड होना दैट हार्डली मैटर्स, किसी भी प्लेनेट का या किसी भी स्टार का. सो दैट डज नॉट मैटर क्योंकि हमको तो पता ही नहीं वो सीधा कैसे होता है. इसलिए बट इफ वी ट्राई टू स्ट्रेटन इट अप वी डोंट वॉन्ट टू डू दैट बाई यूजिंग मोर लेंसेस बिकॉज विद दैट द इमेज विल बी ब्लर्ड. इमेज विल लूज इट्स एनर्जी इट्स इंटेंसिटी. ओके, क्या हम इसको सीधा कर सकते हैं? आंसर है यस, कर सकते हैं. ओके, इसमें एक चीज और पहले देख लेते हैं. कैन वी डू दिस सेटिंग सेटिंग फॉर रिलैक्स्ड आइज? कैन वी डू दिस सेटिंग फॉर डिस्टिंक्ट विजन? आंसर है यस, वी कैन डू. देन हाउ विल बी द डायग्राम? उस डायग्राम में हम क्या करेंगे, वहां पर ये ऑब्जेक्ट कहां होना चाहिए इसका. This is image for this, but this is object for this. This object should be within focal length. So this has to be slide in this direction. So इसको हम थोड़ा सा slide कर देंगे and focal length will be, focus will be here and this will be inside the focal length. So then it will give the image at distinct vision. Okay, let's make that. This system is same. This makes an image here, A dash, B dash. अब हमने जो आई पीस को रखा A dash, B dash, ये कहां पर बनेगी? तो आंसर है पैरेलल रेज मीट एट द फोकल एट द फोकस. सो दिस इज फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव. फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? This distance will be focal length of objective, right? Up to this much. ठीक है, ये यहां पर इमेज बना. This image will act as a object for this. और इसको हमने थोड़ा सा स्लाइड करके इसकी फोकल लेंथ यहां तक कर दी सो दैट ऑब्जेक्ट इज विद इन फोकल लेंथ एंड ऑब्जेक्टिव. नाउ द इमेज विल बी मेड ऑन द सेम साइड. यहां से इस ऑब्जेक्ट की इमेज की पोजीशन निकालने के लिए वी टेक द टू रेज. वन रे गो थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर गो स्ट्रेट, अदर गोज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लाइक दिस एंड हियर इट विल गो थ्रू फोकस. इट गोज थ्रू फोकस. दिस इज द फोकस ऑन दिस साइड. नाउ दीज टू रेज आर डाइवर्जिंग. डाइवर्ज कर रही है तो वो एक जगह पर नहीं मिलेंगी. कहां मिलेंगी? वी टेक देम बैकवर्ड, दे मीट एट दिस पॉइंट. ये जो डिस्टेंस है इसका इमेज का डिस्टेंस, दिस डिपेंड्स अपॉन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. इस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम एडजस्ट करके इमेज का डिस्टेंस डी के बराबर कर लेते. दिस वी कैन डू इट बाय चेंजिंग यू. तो इसको हमने थोड़ा सा आगे पीछे किया और करके ये वाला इमेज का डिस्टेंस कितना ले लिया? डी. ओके, आप जो डायग्राम बनाएंगे तो ये इसके अंदर आना चाहिए या बाहर आना चाहिए, देयर इज नो रूल. ठीक है, अगर हमारा टेलीस्कोप 25 सेंटीमीटर से छोटा है तो ये इमेज हम बाहर बनाएंगे, अगर हमारा टेलीस्कोप 25 से बड़ा है तो ये अंदर बनेगा. ओके, so that does not matter, there is no rule for this. Only rule is this should be D. इस तरह से यहां पर हमने इसका इमेज बनाया. This will be the now final image and this is much larger than this.
तो इस तरह से हमको इसकी बड़ी इमेज मिलती है एंड दिस विल बी एडजस्टमेंट फॉर डिस्टिंक्ट विजन. सेटिंग फॉर डिस्टिंक्ट विजन. ओके, नाउ वी हैव टू सी हाउ मच इज मैग्निफिकेशन फॉर दिस. मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करने के लिए वी अप्लाइड द सेम फॉर्मूला. हियर इज द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट इज मेकिंग एंगल अल्फा ऑन अवर सेट ऑन द टेलीस्कोप अल्फा. सो अल्फा इज द एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट ऑन अवर आइज एंड हियर दिस इमेज और दिस इमेज दिस इज मेकिंग एन एंगल बीटा ऑन अवर आइज. सो फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस द फाइनल इमेज making angle beta. Now what is the magnification? Beta upon alpha. And as we have done in previous case, for small angles beta alpha equal to tangent beta tangent alpha. Tangent beta ki value is triangle se lete hain, that is perpendicular a dash b dash upon base. This is the base. This base is c2 to b dash. This is b dash. Okay, c2 to b dash. This c2 b dash divided by tangent alpha. This is alpha, so this is alpha. We take the tangent perpendicular a dash b dash, and this is base, and this base is how much? C1 to b dash. C1 to b dash. Right? Okay. This now a dash b dash is cancelled. C1 b dash numerator mein aa gaya. C2 b dash is here. Now we put the values. C1 b dash, C1 to b dash. This is focus. Tabhi to yahan par ye image bani. Agar ye focus hai, to ye length kitni hai? FO. So this we can put as FO. Correct? What is its sign on the right side? The sign will be positive. Now c2 b dash, c2 b dash for this lens, this is object, so this distance will be distance of the object u. For lens number 2, so eyepiece, so ue, this is on the left side, so this is minus ue. That is the c2 b dash we put here, minus ue. Right? Now we keep it here. Magnification is equal to FO upon minus UE. Remember this. अब इसको छोड़कर एक लेंस फॉर्मूला वी नो. दिस इज जनरल लेंस फॉर्मूला. वी कैन अप्लाई इट फॉर दिस, वी कैन अप्लाई इट फॉर दैट. सो लेट अस अप्लाई इट फॉर आईपीस. आईपीस के लिए वी कौन है? देखिए, आईपीस के लिए ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, ये फोकल लेंथ है. ओके, तो यू वन अपॉन वी. वी कौन है? डी. एंड व्हाट इज इट्स साइन? ऑन द लेफ्ट साइड, सो इट इज माइनस. सो इन दिस प्लेस आई हैव पुट माइनस डी. माइनस माइनस यू. यू फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस वी विल राइट इट यू फॉर आईपीस. यू फॉर आईपीस. U for eyepiece. And when we place this value U for eyepiece, it is on the left side, so we will write it minus UE. This, theek hai, it is on left side, so minus U for eyepiece. This is the value, is equal to 1 upon focal length. Convex lens has got focal length positive, so this is 1 upon FE. This is the equation. Isko thoda sa humne दो स्टेप और सॉल्व किया. दिस माइनस माइनस विल बिकम प्लस. वन अपॉन माइनस डी को इस तरफ ले जाएंगे, दैट विल बिकम प्लस वन अपॉन डी. सो दिस इज वैल्यू ऑफ वन अपॉन यू ई विच वी आर गोइंग टू यूज इन इक्वेशन नंबर वन. हियर व्हाट इज दिस इक्वेशन नंबर वन? एफ ओ मल्टीप्लाइड बाय वन अपॉन माइनस यू ई. 1 upon UE, 1 upon UE. This is the value. Okay. So, now equation 1. Equation 1 become
ये मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू एफ ओ माइनस एफ ओ और ब्रैकेट में हमको क्या रखना है, वन अपॉन यू ई, ये वन अपॉन यू ई की वैल्यू है, वन अपॉन एफ ई प्लस वन अपॉन डी. इफ यू वॉन्ट तो इसमें हम लोग वन अपॉन एफ ई को बाहर निकाल सकते हैं कॉमन, तो ये क्या हो जाएगा माइनस एफ ओ इन द न्यूमरेटर, एफ ई इन द डिनोमिनेटर, वन अपॉन एफ ई. इसमें से वन अपॉन एफ ई को डिवाइड करिए, ये क्या बन जाएगा वन प्लस, इसमें वन अपॉन एफ ई को डिवाइड करिए, सो दिस विल बिकम एफ ई अपॉन डी. ठीक है, दोनों में वन अपॉन एफ ई को डिवाइड कर दिया, सो दिस इज एफ ओ अपॉन एफ ई वन प्लस एफ ई अपॉन डी. दिस इज मैग्निफिकेशन ऑफ द टेलीस्कोप फॉर विच सेटिंग, डिस्टिंक्ट विजन सेटिंग. और ये डिस्टिंक्ट विजन की सेटिंग एफ ओ अपॉन एफ ई, ये किसमें सेटिंग आ रही थी फॉर नॉर्मल आइज, इसमें वन के साथ कुछ प्लस है, प्लस है मीन्स दिस विल इंक्रीज, सो इन दिस केस मैग्निफिकेशन विल बी लिटिल मोर बट आइज विल बी अंडर टेंशन. सो दिस इज मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप इन दिस केस. ओके, इन दोनों केसेस में हमको जो इमेज दिखती है दैट इमेज इज इन्वर्टेड एंड दैट इज शोन बाय माइनस. ओके, नाउ इफ वी वॉन्ट टू सी द इमेज स्ट्रेट कैन वी मेक सर्टेन अरेंजमेंट, आंसर इज येस वी कैन डू इट. ये जो टेलीस्कोप बना है दिस इज ए न्यूटोनियन टेलीस्कोप विच वॉज मेड टू सी द स्टार्स वेयर इन्वर्टेड और इरेक्ट डज नॉट मेक मैटर. लेकिन अगर हमको इससे अर्थ की चीजें सरफेस की चीजें देखनी है देन वी विल मेक सर्टेन अमेंडमेंट एंड वी विल कॉल इट टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप. तो इससे टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप कैसे कन्वर्ट होता है, द आंसर इज ये जो इमेज है इसको हम पहले एक दूसरे कॉन्वेक्स लेंस से इन्वर्ट कर लेते, इन्वर्ट करके आगे इरेक्ट हो जाएगी, उसके बाद उसको आई पीस लगा के बड़ा करके देख लेंगे. तो उसका रे डायग्राम कैसे बनेगा, देखिए ये दूर ऑब्जेक्ट से रेज आ रही हैं मेकिंग एंगल अल्फा, इसने दिस इज व्हाट ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव ने इसका इमेज बनाया ए डैश बी डैश. ये इमेज के लिए यहां पर हमने एक लेंस रखा, उस लेंस से इसका डिस्टेंस कितना रखना है 2f. इफ 2f इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट देन इमेज विल बी फॉर्म्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 2f एंड दिस विल बी सेम साइज. इफ दिस इज inverted this will be erect, so this image is erect. Now this is a double dash b double dash. Now we put another lens here, is lens ko humne aise rakha ki iski focal length isse thodi si bahar chali jaye, f eyepiece. So we have done a setting for this as magnifying glass or simple microscope. ये सिंपल माइक्रोस्कोप की सेटिंग हमको ये इमेज दिखाती है ए ट्रिपल डैश बी ट्रिपल डैश विच इज दिस लार्ज एंड दिस इज इरेक्ट. तो इससे जो हमको ऑब्जेक्ट है जो कि यहां कहीं दूर ऐसा है ये हमको कैसा दिखता है, इरेक्ट दिखता है, राइट. तो इसको हम किसके लिए यूज करते हैं, टू सी द ऑब्जेक्ट ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ. तो उसमें हमको सीधी चीजें सब सीधी दिखती हैं, कोई चीज उल्टी नहीं होती. ओके, सो दिस इज नोन एज टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप.
दिस इज टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप. अब टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप और न्यूटोनियन टेलीस्कोप, न्यूटन्स टेलीस्कोप, व्हाट इज द डिफरेंस एंड विच इज प्रेफर्ड? आंसर, न्यूटोनियन टेलीस्कोप इज प्रेफर्ड टू सी द स्काई. व्हाई? बिकॉज ऑफ दीज टू लेंसेज, बिकॉज ऑफ दिस लेंस, because of this lens there will be one refraction and some brightness will be lost, thodi si intensity lose ho jayegi, isliye hum isko nahi use karna pasand karte. Dusra, iski length se kitni increase ho jayegi? Answer, 4f. ye dekhiye, isi ko agar hum direct isse magnify karte to ye 2f and 2f, this length विल नॉट बी देयर. तो ये हमको इन दोनों के बीच में लेंथ को इंक्रीज करना पड़ा. हाउ मच? 4f. ठीक है, सो हियर लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 4f. इमेज लूज इंटेंसिटी due to lens. In between. Okay, so it is very inconvenient, but what is the benefit? We can see object's image erect. This is the benefit. ठीक है, तो ये होता है terrestrial telescope. There is another form of this, that is Galilean telescope. Galilean telescope was first made by Galileo, and he used to use one large lens and one concave lens, and with that things used to be seen as erect. But that is very old model, the magnification was less, so we don't use it anymore. हाँ, market में जो छोटी छोटी दूरबीन मिलती है खिलौने वाली, वो उसी तरह की होती है, and those are using one convex and one concave lens. You can practice for its ray diagram. Galilean telescope. One convex and one concave. Image is seen erect. Okay, try the ray diagram yourself and make it direct image. Okay, now in these type of telescopes there were certain problems. What are the problems in glass type of telescopes? That we should know. There are three type of problems when we want to see the images, large and very large. What are the problems we faced? Problems faced. Number one, they are very bulky difficult to handle or difficult to maneuver. Why? These are made by lenses and the lens should be very large. Jitna zyada hoga utni zyada light ko capture karega, so we try to make very large lenses. 3 foot ka, 1 meter ka itna bada lens banate hain. Okay, ye jo lens hum banayenge, lens is basically stone, calcium carbonate, sorry, silicon डाइऑक्साइड रेत से बनता है, सो इट इज ए स्टोन एंड दिस इज वेरी हैवी.
So if we make large glass lenses, those will be very heavy. Now, the frame or the tube which will be made to carry the two lenses, that will be made of steel or something which is heavier than the lens. So total weight will be very large, and it is not possible for a man to handle it. So we use machines to handle it. Motor laga ke hum usko move karte. So if you see on Google or anything, large telescopes, you will find many telescopes. One is fitted in India also, the largest one, and the world's largest, I think it is in US. So you will find the diameter is in meters. They are so large, so heavy, that we have to use motors. तो हम लोग उसको हैंडल नहीं कर सकते. दैट वॉज वन प्रॉब्लम. द अदर प्रॉब्लम वॉज टू टाइप्स ऑफ एबरेशन. वन वॉज स्फेरिकल एबरेशन. एंड अदर वॉज क्रोमेटिक एबरेशन. What is spherical aberration? Spherical aberration is, yes, I will make it here. From here, the rays which are going here do not meet at a single point. I said do not meet at a single point. ये बीच वाली रेज यहां जाकर मिलती हैं, तो ऊपर वाली रेज यहां जाकर मिलती है. ये ऐसे. दिस इज हैपनिंग इन द लेंसेस, बट दिस डिस्टेंस इज सो स्मॉल दैट नॉर्मली वी नेग्लेक्ट इट. पर होता है. तो देखिए क्यों यहां पर ये जो प्रिज्म बन रहा है, दिस प्रिज्म और यहां का प्रिज्म, ये इसका एंगल ए इज लार्ज एंड दिस एंगल ए इज स्मॉल. तो दोनों थोड़ा थोड़ा सा डिफ्रैक्शन में, डेविएशन में, देयर विल बी सर्टेन डिफरेंस एंड देयरफॉर दिस फोकस इज डिफरेंट. अब इतने दूर के स्टार का हम इमेज बनाते हैं, वी वॉन्ट वेरी शार्प इमेज एट वन पॉइंट. If we put our screen here, then this will become blurred. And if we put our screen here, then these two will become blurred. So we don't get a very sharp image. And this is because these two are spherical surfaces. Spherical surfaces mein jab hum angle incident, angle refraction, all these we do the counting, we find that these two points will be a bit different, and this is known as spherical aberration. Okay. Focus not sharp. We have certain methods to improve this. अगर हम spherical aberration अलग से topic पढ़ते तो हम उसमें पढ़ते हैं. What do we do? Just for your information, इसमें से ये बाहर का पोर्शन हम यूज नहीं करते. दिस इतना पोर्शन यूज ही नहीं करेंगे. तो हमने एक लेंस लिया, ये ऐसा, सपोज इतना बड़ा लेंस है और इस लेंस में इतना पोर्शन खुला रखा और बाकी पोर्शन को ब्लैक कर दिया. अब लाइट से बीच से जाएगी, अगर बीच से जाएगी तो यहां पर फोकस होगी और ये जो रेज ब्लर्ट कर रही थी वो नहीं करेंगे. पर टेलीस्कोप में ये चीज हम यूज नहीं कर सकते, बिकॉज इफ वी आर यूजिंग दिस इन टेलीस्कोप, अवर पर्पस इज लॉस्ट. हमारा पर्पस क्या था? टू हैव मोर एंड मोर रेज. और अगर हम उसको ब्लैक कर देंगे तो क्वांटिटी ऑफ रेज तो वैसे ही कम हो गई. सो व्हाट इज द यूज ऑफ यूजिंग ए लार्ज लेंस? सो वी हैव टू गो विद दिस. द फोकस इज नॉट वेरी शार्प. The other thing is chromatic aberration.
chromatic aberration and chromatic aberration we have done yesterday. If this is a white color ray, which is a combination of many colors, what will happen after refraction? They will focus at a different point, because mu for every color is different, the deviation for every color is different. So deviation for violet here, this diffraction for violet, and this is diffraction for red. So all red will focus here and all violet will focus here. If you put our screen where, anywhere, you get sharp red image, but you will get blunt violet. अगर हम वॉयलेट में इमेज शार्प बनाएंगे तो रेड कैसा हो जाएगा? ब्लंट हो जाएगा. सो और सबसे बड़ी चीज क्या है कि हमारा ऑब्जेक्ट कैसा था? व्हाइट. एंड नाउ वी आर सीइंग इट इन कलर्स. तो व्हाइट चीज का कलर्ड हो जाना, दैट इज नोन एज क्रोमेटिक एबरेशन. व्हाइट में कलर आ गया, दैट इज क्रोमेटिक एबरेशन. ओके, सो दिस इज अगेन ए डिफेक्ट. हमने देखा चंद्रमा को, मून को व्हाइट दिखता है. टेलीस्कोप लगा के देखा तो उसमें हमको 5-6 मून दिख रहे हैं अलग अलग कलर के. कोई शार्प दिखता है और कोई ब्लड दिखता है. सो दैट इज क्रोमेटिक एबरेशन. बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में होता है इसलिए हम लोग उसको नोटिस नहीं करते, बट वेन वी गो फॉर वेरी लार्ज टेलीस्कोप्स दिस हैपन्स. So you will find these are the three problems we are facing in telescope of glass type. Now how we can overcome this? How to overcome? To overcome these problems, we use reflective type. Telescopes. What are reflective type telescopes? Reflective type telescope, we use a reflector, metal reflector, and that metal reflector is parabolic. Okay, so this is a parabolic reflector. This is its axis. Now all the rays which are coming parallel to axis, this, they will get reflected. It is a mirror. Parabolic mirror. Have you seen parabolic mirror? All of us have seen. Our dish antenna is a parabolic mirror. Headlight of our car, that is a parabolic mirror. Okay. So the rays which are coming to our dish antenna get reflected, and after reflected, they meet at one point, and this meeting is very sharp. Yes. इसके कभी भी दो पॉइंट नहीं बनते. वेदर द रे इज क्लोज, वेदर रे इज अवे, अवे हो या क्लोज हो, सब रेज एक सिंगल पॉइंट पर मिलते हैं, विच इज नोन एज फोकस ऑफ द पैराबोला. सो दिस मेक्स ए शार्प इमेज. सो कौन सा प्रॉब्लम हमारा दूर हो गया? स्फेरिकल एबरेशन. That is now corrected. After that, chromatic aberration हम कैसे ठीक कर सकते with this? Can you tell me? Chromatic aberration कैसे ठीक करेंगे? Answer है, chromatic aberration होता क्यों है? Due to refraction. और refraction किसमें होता है? Glass में. Refraction, इसमें refraction है ही नहीं, इसमें क्या है? रिफ्लेक्शन.
और जब तक किसी चीज के अंदर जाके रिफ्रैक्शन नहीं होगा, कलर पैदा नहीं हो सकते. इसमें रिफ्रैक्शन, देयर इज नो रिफ्रैक्शन फ्रॉम द ग्लास, सो कलर्स आर रूल्ड आउट. देयर विल बी नो डिस्पर्शन. डिस्पर्शन कब होता है? व्हेन देयर इज रिफ्रैक्शन. रिफ्रैक्शन कब होता है? व्हेन ए लाइट पास थ्रू ए ट्रांसपेरेंट मीडियम. एनीथिंग इज नॉट हियर, इट इज ओनली ए रिफ्लेक्शन. सो क्रोमेटिक एबरेशन इज ऑल्सो रूल्ड आउट. तो इसमें क्या क्या हो गया? नंबर वन, स्फेरिकल एबरेशन करेक्टेड. नंबर टू, क्रोमेटिक एबरेशन करेक्टेड. एंड नंबर थ्री, वॉट अबाउट हैंडलिंग? दिस इज ए वेरी थिंग पैराबोलिक मिरर. जैसा हमारा डिश एंटीना, और डिश एंटीना को आप उठाकर देखिए, इतना बड़ा डिश एंटीना होता है एंड इट वेज हार्डली 1 किलोग्राम. इट्स ए वेरी लाइट. वैसे ही कार की हेडलाइट का रिफ्लेक्टर कभी आपने उठाया होगा, टॉर्च के अंदर का रिफ्लेक्टर देखा होगा. ऑल दीज थिंग्स आर वेरी लाइट. सो दिस इज वेरी लाइट एंड वेरी ईजी टू हैंडल. ठीक है, सो दैट इज ऑल्सो डन. लाइट वेट, ईजी टू हैंडल. ओके, तीनों चीजें इसमें करेक्ट हो गई. देयर फोर रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप्स आर बेटर देन ग्लास टाइप. अदर थिंग इज, अगर हम इसको ऐसा बना रहे हैं देन वी, क्योंकि इसका वेट कम होता है, वी कैन मेक वेरी लार्ज डिश. बहुत बड़ी बड़ी डिश हम बना सकते हैं. पैराबोलिक डिशेस हो सकता है कभी आपने देखी हो, दो दो चार चार आठ आठ मीटर 10 मीटर की डिश भी हम बना सकते हैं. और ग्लास में उतने बड़े के बारे में हम सोच भी नहीं सकते. सो इट्स रे गैदरिंग पावर इज वेरी लार्ज कंपेयर टू ग्लास बिकॉज एपर्चर कैन बी वेरी लार्ज. एपर्चर कैन बी मेड वेरी लार्ज देयरफॉर. ठीक है, दीज आर दी बेनिफिट्स. ओके, एक इसमें थोड़ा सा डिजाइन में करेक्शन है. यहां से जो ऑब्जेक्ट से इमेज आ रही है, यहां पर आकर ये ऑब्जेक्ट से आने वाली रेज यहां पर इमेज बनाएंगी. ये वही इमेज होगी जो हमने पिछली बार ए डैश बी डैश इमेज पढ़ी है. उस ए डैश बी डैश को बड़ा हम किससे करेंगे? ये तो पॉइंट में आ गई, इसको अब हम बड़ा करके देखना चाहते हैं. व्हाट वी विल डू, ए सिंपल माइक्रोस्कोप, दैट इज आई लेंस. तो हमको एक मैग्नीफाइंग ग्लास से इसको बड़ा करके देखना है. मैग्नीफाइंग ग्लास कहां रखना पड़ेगा? तो आंसर है, जहां हमने देखना है उसके सामने रखना पड़ेगा. ये रेज ऐसे जा रही हैं एंड वी विल पुट ए मैग्नीफाइंग ग्लास हियर. यहां पर मैग्नीफाइंग ग्लास रखेंगे सो दैट फोकस इज हियर. इसका फोकस इसके पार होगा एंड दिस इमेज इज फॉर्म्ड विद इन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, सो दिस विल मेक ए लार्ज इमेज हियर. तो वो लार्ज इमेज हमको दिखेगी. ठीक है, वी आर हैप्पी, बड़ी इमेज हमको दिख रही है, ब्राइट दिख रही है. पर देखने के लिए हमको यहां जाना पड़ेगा. दिस वी हैव मेड वेरी लार्ज. ये हमने 3 मीटर का बनाया, 4 मीटर का बनाया, तो ये पॉइंट कहां पर होगा? तो आंसर है, ये पॉइंट वहां पे होगा 15 फुट ऊपर. तो 15 फुट ऊपर हम कहां जाके देखेंगे? हवा में. प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, यहां मैंने ऐसे छाता लगा दिया और मैंने आपको बोला वहां इमेज बन रही है, उसके पीछे जाओ और वहां से देख लो, तो हम कैसे जाएंगे? तो यहां हमको एक मचान लगाना पड़ेगा, उस मचान के ऊपर देखना है. मचान के ऊपर चढ़ के हमको देखना पड़ेगा और वहीं आगे पीछे हमको एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे. और मचान पे कब चढ़ना पड़ेगा? रात को 12 बजे. क्यों? स्टार कब दिखते हैं? रात को. दिन में तो नहीं चाहिए हमको, रात को चाहिए. सो इट इज वेरी इनकन्वीनियंट.
ये जो इनकन्वीनियंस न्यूटन को हुआ था, दैट वॉज फेस्ड बाई न्यूटन, दैट वॉज मेड ईजी बाय कैसेग्रेनियन. कैसेग्रेन ने इसमें थोड़ा सा करेक्शन किया और वो जो टेलीस्कोप बनाया, सो दिस वॉज बेसिकली मेड बाय न्यूटन. यहां तक कैसेग्रेन ने उसमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर दिया टू मेक इट कन्वीनियंट. उन्होंने ये किया कि ये जो रेज जा रही है ना, यहां पर ये यहां पर एक रिफ्लेक्टर लगा दिया, मिरर. ये रिफ्लेक्टर अब क्या करता है, इन सब रेज को वापस रिफ्लेक्ट कर देता है. ये इसने इसको ऐसे रिफ्लेक्ट किया, इसको ऐसे रिफ्लेक्ट किया, इसको ऐसे रिफ्लेक्ट किया, इसको ऐसे रिफ्लेक्ट किया, एंड ऑल रेज आर कमिंग हियर. आप देख रहे हैं यहां टकरा रही है. तो ये जो इतना बड़ा हमारा छाता है, ये इतना बड़ा, यहां से हमने थोड़ा सा पंचर कर दिया, छेद बना दिया, तो ये सब रेज इस छेद में से आ गई. अब ये अगर इतना बड़ा एरिया, इतना बड़ा एरिया 1,00,000 रेज को इकट्ठा करता था, तो इतने से छेद से कोई फर्क नहीं पड़ता. सो द कलेक्टिंग और द गैदरिंग पावर डज नॉट गेट अफेक्टेड. और ये सब यहां से यहां से यहां से जाती हैं और यहां से ऐसे आ जाती. अब जब ये यहां से इस तरह से आती हैं, तो यहां पर हम अपना आईपीस लगा देते. आईपीस ये ऐसा पीछे लाके, तो अब हम कहां आ गए, इसके पीछे. इसके पीछे कहां, ग्राउंड पे. तो हम आराम से अपना ग्राउंड में यहां कुर्सी लगा के बैठते और अपना ये लगा दिया यहां पे छोटा सा टेलीस्कोप आईपीस, और उससे हम इसको देखते. सो दिस इज हाउ वी सी इट, एंड दिस करेक्शन वाज डन बाय कैसेग्रेनियन. सो दिस इज नोन एज कैसेग्रेनियन टेलीस्कोप. और ये ओरिजिनल किसका था, न्यूटन. सो द क्रेडिट गोज टू न्यूटन बिकॉज ही मेड दिस ओरिजिनल थिंग. कैसेग्रेन ओनली मेक सर्टेन अरेंजमेंट टू सी दैट. सो दैट इज कैसेग्रेनियन टाइप. तो इससे फिर हम इमेज को एनलार्ज करके देखते आईपीस से. ओके, सो दिस इज रिफ्लेक्टिंग टाइप ऑफ टेलीस्कोप. So this is all about telescopes, glass type, reflection type, the magnification in both type of settings, magnification aur uska formula. How it is different from microscope, now we understand. Both are using two convex lenses, but the type of convex lenses are different. Therefore, a telescope and a microscope cannot be exchanged. Har ek ke benefit, हर एक के यूज, ये सब आपको याद करना है. और इस पर न्यूमेरिकल भी बनते हैं, तो जब हम न्यूमेरिकल बनाएंगे तो उसका फॉर्मूला यूज करेंगे एंड वी विल यूज दैट. न्यूमेरिकल के टाइप क्या होंगे, देयर इज वन ऑब्जेक्ट, हम निकालेंगे उसकी इमेज की पोजीशन कहाँ है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव उसका जहां पर इमेज बनाएगा, ऑब्जेक्टिव जहां पर इमेज बनाएगा उसको दूसरे के लिए क्या मान लेंगे, उस इमेज को दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट, और फिर उसका इमेज वो बनाएगा, और इस तरह से फाइनली हम उसका लोकेशन बना सकते हैं और उसका वी अपॉन यू करके उसकी मैग्नीफाइंग पावर भी निकाल सकते हैं. ठीक है, सो व्हेन वी कम टू न्यूमेरिकल वी विल मेक द न्यूमेरिकल्स ऑन दिस. और इस पर न्यूमेरिकल भी आते हैं और डिस्क्रिप्शन भी आता है, पर माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप काफी पूछे जाते हैं, स्पेशली माइक्रोस्कोप. ओके, सो वी विल क्लोज इट.